नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 द फ्रेंडली मोंगूस, जो कि लिया गया है क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक अ पैक्ट विद द सन से। हम इस चैप्टर को इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 द फ्रेंडली मोंगूस, अध्याय 2 मिलनसार नेवला। ये कॉम्प्रिहेंशन 1 है और उसके की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा रहता था। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मोंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। घर में एक नेवले का बच्चा भी था जिसके बारे में उनका मानना था कि वह भविष्य में उनके बेटे का साथी और दोस्त बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूस। एक दिन किसान और उसकी पत्नी बच्चे को नेवले के पास अकेला छोड़कर बाहर चले गए। कॉम्प्रिहेंशन 1। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उससे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत होगी। यह पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी होगा। उनकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा नेवला लाया। यह नेवले का बच्चा है, उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन जल्द ही यह पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। वह हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। Both the baby and the mongoose grew. बच्चा और नेवला दोनों बड़े हो गए। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. 5 या 6 महीनों में नेवला अपने पूरे आकार में बड़ा हो गया था। 2 चमकदार काली आंखों और एक झाड़ीदार पूंछ वाला एक प्यारा जानवर। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। किसान का बेटा अभी भी पालने में बच्चा था, सो रहा था और बारी बारी से रो रहा था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. उसने बच्चे को खाना खिलाया और उसे अपने छोटे से पालने में सुला दिया। Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. टोकरी उठाकर उसने अपने पति से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, उस पर नजर रखें। सच कहूं तो मुझे बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़ना पसंद नहीं है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर, द मोंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। किसान ने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, नेवला एक मिलनसार जानवर है। यह हमारे बच्चे जितना ही प्यारा है और वे सबसे अच्छे दोस्त हैं, आप जानते हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। पत्नी चली गई और किसान के पास घर में कोई काम नहीं था। उसने बाहर जाकर कुछ ही दूर पर स्थित अपने खेतों को देखने का फैसला किया। वापस आते समय रास्ते में वह कुछ दोस्तों से मिला और काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटा। तो दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन 1 यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन 2 और उसके की पॉइंट्स हैं। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। किसान की पत्नी एक भारी टोकरी लेकर बाजार से घर लौटी। शी फाउंड द मोंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। उसे घर के प्रवेश द्वार पर नेवला मिला जिसके चेहरे और पंजे पर खून लगा हुआ था। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन डैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मोंगूस वॉज द गिल्टी वन। वह इस नतीजे पर पहुंची कि यह उसके बेटे का खून था और दोषी नेवला था।
द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी पूरी की और टोकरी भर किराने का सामान लेकर घर वापस आ गई। शी सॉ द मोंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि नेवला बाहर बैठा है मानो उसका ही इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी। उसे देखते ही वह प्रथा के अनुसार उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगूस एंड स्क्रीम्ड ब्लड शी क्राइड। द फेस एंड पॉज ऑफ द मोंगूस वर स्मेयर्ड विद ब्लड। किसान की पत्नी ने एक नज़र नेवले पर डाली और चिल्ला पड़ी, खून। वो रोई। नेवले का चेहरा और पंजे खून से सने हुए थे। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। तुम दुष्ट जानवर हो, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है, वह उन्मादी ढंग से चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज ऑन द ब्लड स्मेड मोंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। वह गुस्से से अंधी हो गई थी और उसने अपनी पूरी ताकत से किराने के सामान से भरी भारी टोकरी खून से लथपथ नेवले पर गिरा दी और बच्चे के पालने के पास अंदर भाग गई। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन फर्श पर एक काला सांप फटा हुआ और लहू लुहान पड़ा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। एक झटके में उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोंगूस। वह नेवले की तलाश में बाहर भागी। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मोंगूस हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। ओह आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, तुमने सांप को मार डाला, मैंने यह क्या किया। वह नेवले को छूकर रोई जो मरा पड़ा था और अभी भी उसकी सिसकियों से अनजान था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मोंगूस। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। किसान की पत्नी जिसने जल्दबाजी और उतावलेपन से काम लिया था मृत नेवले को देर तक देखती रही। तभी उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वह अपने आंसू पोंछते हुए उसे खाना खिलाने अंदर चली गई। अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानी। तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी डिसीजन पे जल्दबाजी या उतावलेपन पे नहीं आना चाहिए, हमें सोच समझकर कोई निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर को पढ़ा और हिंदी में भी समझा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और बड़ों का आदर करें। मैं हूं वैभव, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।